हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट में 80% जो सिलेबस है वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे उसमें फर्स्ट यूनिट है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देन सेकंड यूनिट है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, देन है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, देन है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस, देन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, देन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन है सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये जो मैक्सिमम सिलेबस है, 80% सिलेबस में आपको प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई यूनिट मिल जाएगा। ऐसे में आपका प्रोजेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोजेक्शन की आप अच्छे से स्टडी करो। तो आज के वीडियो में हम आपको प्रोजेक्शन से रिलेटेड आपको दो चीजें बताएंगे। पहले तो आपको प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है वो बताएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि प्रोजेक्शन होता क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये प्रोजेक्शन वर्ड का क्या मतलब है, वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देन आफ्टर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की जानकारी अगर आपको है तो आप आसानी से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं सबसे पहले प्रोजेक्शन का सही मतलब। तो प्रोजेक्शन यानी होता है इमेज, प्रोजेक्शन यानी इमेज, या फिर आप इसको थ्योरेटिकली अगर ऐसा कहे तो प्रोजेक्शन इट मींस व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहा? प्रोजेक्शन इट मींस व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आप एक इमेज ड्रॉ करते हैं, जो एक व्यू ड्रॉ करते हैं, उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेन का यूज करना पड़ता है। तो जो प्लेन का यूज करके आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ऐसे प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके लिए यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, हमने यहां पे दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले आपको ये एक डायग्राम ड्रॉ आपको दिख रही, ये डायग्राम में आपको दो लाइंस आपको यहां पे दिखाई दे रही। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन है वर्टिकल लाइन। तो ये जो लाइंस है इसके थ्रू यहां पे चार क्वाड्रेंट्स बने हैं। आपको क्वाड्रेंट्स की जानकारी तो होगी। तो क्वाड्रेंट्स जो है वो दो एक्सिस से बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस से क्वाड्रेंट बनते हैं। तो ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये चार क्वाड्रेंट्स बने हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और सभी क्वाड्रेंट्स का अपना अपना साइन होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है। वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सब्जेक्ट में पॉजिटिव निगेटिव ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बताने का मेन यहां पे हमारा मकसद ये है कि यहां पे देखो ये हमने साइन इसलिए बताया है क्योंकि ये साइन से हमें पता चलता है कि कौन सा क्वाड्रेंट किसके अपोजिट में है। इसका मतलब देखो, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, और देखो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन देखो निगेटिव निगेटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा एकमेक का अपोजिट होता है। इसका उल्टा ये, या ऐसा बोलो इसका उल्टा ए। यहां पे भी आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको दिख जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन है निगेटिव पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन है पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब जो यहां पे रहेगा उसका उल्टा यहां पे रहेगा, या ऐसा बोलो जो यहां रहेगा उसका उल्टा यहां रहेगा। तो ये हमें इससे समझ में आता है। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये जो चार क्वाड्रेंट्स बने हैं, तो ये जो आपको डायग्राम यहां पे दिखाई दे रही है ये है 2D व्यू, ये है 2D व्यू, इट मींस टू डायमेंशनल व्यू। लेकिन अगर आप इसी का 3 डायमेंशनल व्यू अगर आप ड्रॉ करोगे, इट मींस आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप ड्रॉ करोगे, 3 डायमेंशनल व्यू को, 3D व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल व्यू आइसोमेट्रिक व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ये है 3D व्यू, 3D व्यू इट मींस 3 डायमेंशनल व्यू यानी ही आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये जो आपको इस तरह से लाइंस दिखाई दे रही है उसको आप 3D फॉर्म में अगर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो है इसका हमने एक मॉडल तैयार किया है, हम आपको वो मॉडल आपको यहां पे दिखाएंगे, मॉडल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमने एक यहां पे मॉडल यहां पे तैयार किए हैं, ठीक है। ये मॉडल की तरफ आप ध्यान दो, ये देखो जो डायग्राम हमने वहां बोर्ड पे बनाया है बिल्कुल वही मॉडल हमने यहां पे तैयार किया है, देखो इस तरह से है, ठीक है।
तो ये मॉडल के थ्रू हम यहां पे समझेंगे कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। हमने आपको जैसा थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोजेक्शन यानी एक इमेज या फिर व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और प्रोजेक्शन जो प्लेन पे ड्रॉ करते हैं वो प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और टोटल कितने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, तो जनरली 3 प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यूज किए जाते हैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए। जनरली 3 प्लेन यूज होते हैं और ये 3 प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन्स भी कहते हैं। तो वो 3 प्लेन्स क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम हमने यहां बनाया है, ये जो 2D व्यू है, ये देखो ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये मॉडल को जब आप जस्ट अ मिनट, ये हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कर लेते हैं। जब ये मॉडल को जब आप इधर से देखते हैं, देखो जब आप इधर से देखते हैं तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएंगी एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिकल लाइन, दैट इज वाई एक्सिस। देखो ये है इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका मतलब ये मॉडल को इधर से देखने के बाद, ऐसे फ्रंट से जब आप यहां से देख रहे हैं तो आपको इस तरह का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है और ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये मॉडल हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन जब हम ये जो डायग्राम, ये जो ड्रॉ किए हैं 3D मॉडल जहां पे हमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन समझना है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में यहां पे जैसा हमने कहा 3 प्लेन्स होते हैं। तो पहला प्लेन होता है HP, दूसरा प्लेन होता है VP और तीसरा प्लेन होता है PP। अब इसका क्या मतलब है वो पहले समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि HP, VP और PP क्या होता है। तो इसके लिए ये डायग्राम की तरफ आप ध्यान दो। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे आपको 2 प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। देखो ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक प्लेन है। ये प्लेन ऐसा आड़ा है और ये जो प्लेन है ऐसा खड़ा है। देखो ये मॉडल के थ्रू समझ लो, अगर ये दोनों प्लेन्स को अगर हम अलग अलग करें तो ये दोनों प्लेन्स को अलग करते समय ये देखिए कुछ ऐसे 2 प्लेन्स यहां से बाहर निकलेंगे। ये देखिए ऐसे 2 प्लेन्स को हमने अलग अलग किए। ये एक प्लेन है, ठीक है, तो ये जो प्लेन है वो प्लेन ऐसा रहता है आड़ा, और ये जो प्लेन है हमेशा ऐसा खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो आड़ा प्लेन है यही है HP, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, ग्राउंड को एग्जैक्टली पैरेलल। तो यही है HP और ये है VP, इट मींस वर्टिकल प्लेन जो हमेशा खड़ा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। समझ में आया? तो ये HP और ये VP और ये HP VP दोनों को अगर हम मिला देंगे, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन दोनों को अगर हम यहां पे मिला देंगे इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से ये मॉडल यहां पे बन गया और इससे ये 4 क्वाड्रेंट्स यहां पे बन गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे ये 2 प्लेन कौन से हैं वो हमने आपको बता दिए, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको 3 प्लेन्स की बात की थी, HP, VP और PP। HP कौन सा है, तो ये जो प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है वो है HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी HP, और ये जो प्लेन है ये है VP, इट मीन्स वर्टिकल प्लेन। लेकिन तीसरा प्लेन जो हमने बताए थे वो था PP, PP यानी होता है प्रोफाइल प्लेन। तो ये प्रोफाइल प्लेन कहां पे है, यहां पे तो आपको वो प्लेन दिख नहीं रहा, तो वो प्लेन कहां होता है, चलो हम एक काम करते हैं वो प्लेन यहां पे पहले आपको ड्रॉ करके बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोफाइल प्लेन क्या होता है। तो ये देखिए हमने यहां पे एक तीसरा प्लेन ड्रॉ किया है, तो ये जो हमने प्लेन बनाया है यही है PP, हम इसके ऊपर लिख लेंगे PP, इट मीन्स इट इज अ प्रोफाइल प्लेन। आप कहेंगे कि सर HP और VP को तो आपने मॉडल के थ्रू समझाए, तो PP को भी आप मॉडल के थ्रू समझाओ, तो चलो हम आपको यहां मॉडल में बता देते हैं कि PP इट मीन्स प्रोफाइल प्लेन कहां होता है। तो ये देखिए यहां पे अगर हम चेक करेंगे जैसा हमने आपको बताए थे, तो ये है HP, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है VP, दैट इज वर्टिकल प्लेन, और प्रोफाइल प्लेन जो है ये देखिए हमने यहां मॉडल में यहां पे तैयार किया है। तो ये देखिए ये जो हमने साइड से यहां से निकाले हैं, तो ये है प्रोफाइल प्लेन, ठीक है, देख लीजिए इसको, ये है प्रोफाइल प्लेन। वो जो हमने बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम को ये मॉडल के साथ आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको प्रोफाइल प्लेन यहां पे आपको दिख रहा है। ये जो पिंक कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्रोफाइल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, ये वर्टिकल प्लेन VP और ये प्रोफाइल प्लेन PP, ठीक है। और यहां पे प्रोफाइल प्लेन जो है एक्चुअली एक नहीं 2 होते हैं, ठीक है। प्रोफाइल प्लेन अभी हमने जो है आपको वो साइड में दिखाया है, प्रोफाइल प्लेन इधर भी होता है। देखो अगर हम इधर अगर प्रोफाइल प्लेन आपको बताएं तो ये देखिए प्रोफाइल प्लेन, ये इधर वाला प्रोफाइल प्लेन ऐसा होता है, देख सकते हैं 2 प्रोफाइल प्लेन, ये एक प्रोफाइल प्लेन और ये एक प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। और ये सभी प्लेन्स अब आपको देखिए ये इस तरह से ये ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए, HP, VP और PP समझ में आ गया।
ओके, और पीपी कौन सा है, प्रोफाइल प्लेन जो ये है, और दो होते हैं, इधर भी है और इधर भी है, और ये सभी प्लेन्स का यूज होता है इमेज ड्रॉ करने के लिए, यानी व्यू ड्रॉ करने के लिए, यानी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए, सब प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए ये प्लेन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं, यही प्लेन्स को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, एचपी, वीपी और पीपी, और यही प्लेन्स को रेफरेंस प्लेन्स भी कहते हैं। क्या कहा, ये प्लेन्स को रेफरेंस प्लेन्स कहते हैं, और इन्हीं प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं। क्या कहा, देखो हमने एक ही जगह पे आपको तीन चार चीजें बता दिए, ये प्लेन्स को एचपी, वीपी, पीपी, ये प्लेन को रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं, और ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है, यहां पे ये वर्टिकल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते समय हमेशा यही प्लेन्स का यूज होता है। और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते समय, इट मीन्स व्यू ड्रॉ करते समय, जनरली तीन टाइप के व्यू ड्रॉ किए जाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो इसके बाद बनाएंगे जिसमें हम आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू की पूरी जानकारी देंगे, और ये सिर्फ हम एक क्वाड्रेंट में नहीं, हम आपको हर एक क्वाड्रेंट में बताएंगे कि हर एक क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पे बनेगा, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो भी आप आगे चल के देख लेना। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हमने आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बताना था, तो ये हमने आपको बता दिए, एचपी, वीपी और पीपी, ये है तीनों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन इसके अलावा एक और प्लेन आता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ किए जाते हैं, वो प्लेन को कहते हैं ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन भी एक आता है, ऑक्सिलरी प्लेन के ऊपर इसके बाद एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको ऑक्सिलरी प्लेन की पूरी जानकारी देंगे, ऑक्सिलरी प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन के थ्रू किस टाइप के व्यूज ड्रॉ किए जाते हैं, वो हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आगे चल के, तो वो भी वीडियो आप देख लेना। अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि ऑक्सिलरी प्लेन एक और प्लेन होता है, ऑक्सिलरी प्लेन के थ्रू ऑक्सिलरी व्यू ड्रॉ किए जाते हैं, और ऑक्सिलरी प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी होता है, और इंक्लाइन टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी होता है, इस टाइप के ऑक्सिलरी प्लेन्स होते हैं, वो हम आपको आगे चल के अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की पूरी जानकारी दे दिए, उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।